नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस बी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर की कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए आइए देखते हैं। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो को हिंदी में घोषणा पत्र कहेंगे। ठीक, मीटिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? बैठक या सभा या अधिवेशन। ठीक है ना। सेमिनार को हिंदी में क्या कहेंगे? संगोष्ठी या विचार संगोष्ठी। और वर्कशॉप को हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यशाला। ठीक है ना। साइंटिफिक को हिंदी में क्या कहेंगे? वैज्ञानिक। रिकॉर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? अभिलेख। ठीक, टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रौद्योगिकी या शिल्प विज्ञान। टेक्निक, टेक्निक को हिंदी में क्या कहेंगे? तकनीक। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे हम टीसी, टीसी को हिंदी में क्या कहेंगे? स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट को हिंदी में कहेंगे पूर्व स्नातक, और ग्रेजुएट को हिंदी में कहेंगे स्नातक। इसी तरह हम पोस्ट ग्रेजुएट को हिंदी में कहेंगे परा स्नातक। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल को हिंदी में क्या कहेंगे? सार्वभौमिक, सर्वव्यापी। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि सार्वभौमिक, अटल सत्य। ठीक है, अटल सत्य होता है, अटल सत्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको, आप फिर जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मैनिफेस्टो का हिंदी रूपांतरण होगा, ऑप्शन चार रहेंगे। ठीक, घोषणा पत्र, कार्यालय पत्र, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र, ये आपके प्रश्न पुस्तिका में ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो जो आपको सही ऑप्शन है, जो उसका सही उत्तर है, उसको, उसका चयन करके ओमेयर शीट में भरना है। ठीक है, ओमेयर आंसर शीट में फिलअप करना है। ठीक, और जब आप लोग ओमेयर शीट फिलअप करते रहिएगा तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको भरना है। ओमेयर शीट के पीछे तरफ सारे निर्देश दिए होते हैं, उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एक दो बार अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि ओमेयर को कैसे फिलअप करना है। नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर इत्यादि को भली भार चेक करके भरें, क्योंकि ये जो आपकी ओमेयर शीट होती है वह कंप्यूटर से चेक होगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्योंकि कंप्यूटर से चेक होगी। तो इस बार आपको सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में तीनों विषयों में बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा, सारी चीज़ें ध्यान पूर्वक भरनी होगी। और उसके लिए स्पेशली एक ओमेयर शीट भरने के लिए, जो गोले होते हैं ओमेयर शीट के, उसको भरने के लिए एक स्पेशली पेन आते हैं, रेनॉल्ड्स करके या रोशियो फेंटा, 10 रुपये की मिलेगी, आप उसको ले लीजिएगा, उसी से फिलअप करिएगा ओमेयर। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ओमेयर फिलअप करने में बहुत गलतियां करते, इसी कारण उनका रिजल्ट रुक जाता है। ठीक, कंप्यूटर द्वारा उनका ओमेयर सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आप लोग जब क्वेश्चन आप प्रश्न पुस्तिका में पढ़ेंगे तो एकदम श्योर हो जाइए, ठीक, तभी उस ऑप्शन को भरिए। ये नहीं कि आप श्योर ना होकर भर दिए फिर आप व्हाइटनर लगा रहे हो, ब्लेड से खुरच रहे हो, ये कदापि नहीं करना है। व्हाइटनर का प्रयोग ओमेयर शीट पे नहीं करना है। ठीक है,
आगे चलते हैं, कुछ और सब महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों को लेते हैं। वेरीफाई, वेरीफाई को हिंदी में क्या कहते हैं? वेरीफाई, सत्यापित करना, सत्यापन कहते ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, यानी सत्यापन होंगे, सत्यापन होगा, ठीक है, सत्यापन करना। और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन पर कब कोई हिंदी में क्या कहेंगे? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को क्या कहेंगे हिंदी में? मूल्यांकन। और अनपेड को क्या कहेंगे? अनपेड आदत, ठीक है। यूनिवर्सिटी को क्या कहेंगे हिंदी में? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय, ठीक है। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? लेखाकार। अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? लेखाकार कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल को हिंदी में क्या कहेंगे? अकाउंटेंट जनरल को महालेखाकार कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अकाउंटेंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर को हिंदी में क्या कहेंगे? लेखा अधिकारी। अकाउंटेंट ऑफिसर को हिंदी में क्या कहेंगे? लेखा अधिकारी। आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्या कहेंगे इसको? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को क्या कहेंगे हिंदी में? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, ऑफिसर मतलब अधिकारी, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल को क्या कहेंगे हिंदी में? महाधिवक्ता। इसको आप नोट भी करते जाओ, महाधिवक्ता कहेंगे एडवोकेट जनरल को, महाधिवक्ता, ठीक है। आगे चलते हैं, बैंकिंग ऑफिसर, बैंकिंग ऑफिसर को बैंकिंग अधिकारी कहेंगे। हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को हिंदी में क्या कहेंगे? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को हिंदी में क्या कहेंगे? खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी। कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी को हिंदी में क्या कहेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी। कोई बताए कैबिनेट सेक्रेटरी को हिंदी में क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को हिंदी में क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल सदस्य, मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मिनिस्टर को कहेंगे, ठीक है। क्लर्क को हिंदी में क्या कहेंगे? क्लर्क को लिपिक, क्लर्क को हिंदी में लिपिक, ठीक है, कहते हैं ना क्लर्क, या बाबू है ना, बड़े वरिष्ठ बाबू,
सीनियर क्लर्क को वरिष्ठ बाबू कहेंगे, और क्लर्क हिंदी क्या होती है, लिपिक या बाबू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डीन, डीन को हिंदी में क्या कहें, डीन ऑफ फैकल्टी, डीन को हिंदी में क्या कहेंगे, संकाय अध्यक्ष या अधिष्ठाता, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना, अधिष्ठा, डीन को हिंदी में क्या कहेंगे, अधिष्ठाता, संकाय या संकाय अध्यक्ष, ठीक है, अधिष्ठाता या संकाय अध्यक्ष, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अधिष्ठाता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या डीन को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे क्यों पारिभाषिक शब्दावली में केवल पारिभाषिक शब्दों के अर्थ ही पूछेंगे, और मुश्किल से हमें लगता है इतने बड़े शब्दों में तीन क्वेश्चन आएंगे, तीन क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दों से आएंगे, तीन क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है कम से कम 50-100 याद कर लीजिए, 100 कम से कम याद कर लीजिए, किसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी प्रदान की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।